हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हिमाचल में 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हमीरपुर में शिक्षक पॉजिटिव आने के बाद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। मंडी में मंगलवार को कोरोना संक्रमितों 2 लोगों की मौत हो गई है। हमीरपुर जिले के डौली की 75 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला ने नैरचौक मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। दूसरा मृतक सरगाघाट की रोपड़ी पंचायत का 62 वर्षीय सेवानिवृत्त पटवारी है। इसकी पुष्टि SDM सरगाघाट जफर इकबाल ने की है। वहीं बिलासपुर की कोरोना संक्रमित महिला ने IGMC शिमला में अपना दम तोड़ दिया है। आगे चलते हैं। हमीरपुर जिले में एक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में 2 अध्यापकों समेत 3 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसको देखते हुए एहतियात बरतते हुए स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। बाकी स्टाफ होम आइसोलेट हो गया है। स्कूल का लैब सहायक भी पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 22,665 के पार पहुंच गया है। करीब 2,949 सक्रिय मामले हैं। 19,349 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 336 से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। आगे चलते हैं। हिमाचल से दिल्ली के लिए बस सेवाएं शुरू हो चुकी है। आइए विस्तार से जानते हैं। कोरोना वायरस काल में 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद हिमाचल से दिल्ली के लिए बस सेवाएं सरकार ने फिर शुरू कर दी है। सरकार ने दिल्ली के लिए हिमाचल के 21 रूटों को बहाल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत आज से दिल्ली के लिए रात्रि बस सेवाएँ शुरू हो गई है। HRTC हमीरपुर डिपो की 2 बसें आज दिल्ली भेजने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह मनाली से दिल्ली व केलांग से दिल्ली बस सेवा शुरू हो गई है। निगम की एक बस मंगलवार शाम को मनाली से दिल्ली रवाना हुई है, जबकि दूसरी बस बुधवार सुबह 5:45 बजे रवाना होगी। जिला मुख्यालय केलांग से दिल्ली के बीच भी निगम की सामान्य बस मंगलवार सुबह 6:30 बजे भेजी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।